सबको नमस्कार। जब भी आप बाजार में फ्रूट खरीदने जाते हो तो आप देखते हैं कि बहुत टाइप का ऑरेंज है, लेकिन असल में वो सभी ऑरेंज नहीं होता है, कुछ कुछ किन्नो भी होता है। तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑरेंज है और कौन सा किन्नो है? तो इस वीडियो में हम डिटेल में कुछ 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप कलर को देखेंगे तो देखेंगे कि ऑरेंज का जो कलर होता है वो थोड़ा सा सैफ्रन होता है या फिर लाइट ऑरेंज कलर होता है, लेकिन जो किन्नो है उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। अगर आप स्किन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑरेंज का जो स्किन है वो बहुत ही थिन होता है, यानी पतला होता है, लेकिन साथ ही साथ लाइट भी होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि उसको जो आसानी से पील किया जा सकता है, और लाइट और थिन स्किन का वजह से जो वाटर होता है वो जल्दी ही इवेपोरेट कर सकता है, और इसीलिए प्रोन टू सन बर्न होता है, और इसीलिए ऑरेंज को ज़्यादा देर तक स्टोर किया नहीं जा सकता, वो ड्राई हो जाएगा। लेकिन अगर किन्नो का देखेंगे तो उसका जो स्किन है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है और टाइट भी होता है, और इसी वजह से जो वाटर है वो जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाता, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा देर तक हम स्टोर कर सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होता। अब बात करते हैं कि टेस्ट कैसा होता है। जो ऑरेंज है उसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, खाने में अच्छा लगता है, लेकिन जो किन्नो है उसका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है। तो हो सकता है किसी को खट्टा पसंद है तो किन्नो ही ले ले। अगर अब जूस का बात करेंगे तो ऑरेंज से ज़्यादा जूस किन्नो में होता है, किन्नो इज मोर जूसियर देन ऑरेंज। तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज जो है उसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है, उसको इजीली पील किया जा सकता है, और वो खाने में भी अच्छा है, और उसे ज़्यादा देर स्टोर नहीं किया जा सकता। इसी गुण का वजह से ऑरेंज का प्राइस जो है वो किन्नो से बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ऑरेंज एक हाइब्रिड है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, और वो दो स्पीसीज है, साइट्रस रेटिकुलेट और साइट्रस मैक्सिमा। लेकिन अब किन्नो का बात करें तो किन्नो भी एक हाइब्रिड है, लेकिन उसका जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है, वो है साइट्रस डेलिकोसा और साइट्रस नोबिलिस। तो आशा रखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी बाजार में किन्नो या फिर ऑरेंज खरीदने जाओगे तो आसानी से दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे, और दोनों को आइडेंटिफाई करके जो आपको पसंद है वो आप खरीद पाओगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।